तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस इस कंपनी के आईपीओ में अलर्ट में स्टेटस कैसे चेक करें, कैसे पता करें कि इस आईपीओ में अलर्टमेंट मिला है कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग इन कैसे मिल सकता है और अलर्ट में स्टेटस अपडेट होने का टाइमिंग क्या है। ये सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का डेटा देख लेते हैं। आईपीओ में कंपनी के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन QIBs के द्वारा 24.55 टाइम्स का देखने को मिला, NIS के द्वारा 23.4 टाइम का सब्सक्रिप्शन, रिटेलर्स के द्वारा 11.26 टाइम का सब्सक्रिप्शन एंड टोटल सब्सक्रिप्शन 17.66 टाइम्स का देखने को मिल जाता है। आईपीओ में वैसे रिस्पांस देखने जाए तो अच्छा मिला है। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में अलर्ट में मिलने के चांसेस की बात करें तो यार 11% के हिसाब से, मतलब जिन लोगों ने इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई किया है तो 11.26 टाइम्स के हिसाब से 8.88% चांसेस है कि आपको इस आईपीओ में अलर्ट में मिलेगा। मतलब आप लोग मान सकते हो हर 100 लोगों में से 8 से 9 लोगों को इस आईपीओ में अलर्टमेंट मिलने वाला है। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में अलर्टमेंट स्टेटस अपडेट होने के टाइमिंग की बात करें तो वो देखने को मिलता है 12 सितंबर को रात के 11:30 बजे से लेकर 13 सितंबर को सुबह 9:30 बजे के बीच में। कभी भी अलर्टमेंट स्टेटस वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा, किस वेबसाइट के ऊपर अपडेट होगा वो आपको मैं आगे बताता हूँ वीडियो में। बाकी इस आईपीओ के ग्रे मार्क की प्रीमियम की बात करें तो वो 37.5 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और लिस्टिंग गेन 15-16% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। रुपीज टर्म में देखने जाओगे तो अराउंड 2000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है, जिस हिसाब से कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहे उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यार इस कंपनी के आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 1500-2000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। जो अलॉटमेंट आप लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो यार लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना, 1500-2000 रुपए एक अच्छा अमाउंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी इस आईपीओ में अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने का प्रोसेस जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सिलेक्ट कंपनी में बहुत सारी कंपनियों का नाम शो कर रहा है। यहाँ पर ही आपको जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस, जो आपको मैंने टाइमिंग बताया उसी टाइमिंग के बीच में कहीं पर भी कभी भी अलॉटमेंट स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो यार ये जो यहाँ पर टाइमिंग मैंने आप लोगों को बताया ना 11:30 बजे से लेकर कल यहाँ पर से 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे के बीच में क्रॉस लिमिटेड का नाम शो करेगा और उसको यहाँ पर सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस सिंपल है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा वो आपको यहाँ पर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर डीमैट अकाउंट नंबर आपके पास है तो वो डाल सकते हो, पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी यार इसका यहाँ पर जो कैप्चा कोड है, मतलब ये जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में आप लोगों ने अप्लाई किया था और किसने अप्लाई किया था जिनका नाम भी आ जाएगा, डीमैट अकाउंट जिनका भी होगा उनका, और जो यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई किया था और अलर्ट में मिल चुका होगा तो यहाँ पर से अलॉटेड ग्रीन कलर के अंदर आएगा और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो नॉट अलॉटेड लिखा हुआ है रेड कलर के अंदर, मतलब मेरे को इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है ऐसा आप लोग मान सकते हो। अभी ये जो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है प्रीमियम एनर्जीज के आईपीओ का, बाकी यार इसी प्रकार से आप लोग इस आईपीओ में क्रॉस लिमिटेड के आईपीओ में भी अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर पाओगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, कैसे करना है, कहाँ करना है, अलॉटमेंट स्टेटस अपडेट होने का टाइमिंग क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसे मिल सकता है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।